तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर ब्रांड न्यू एंड लेटेस्ट वीडियो ऑफ रोस्ट गेमिंग 2.0। गाइस कैसे हो आप लोग? आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ आप लोग कैसे फ्री में पबजी और बीजीएमआई दोनों के अंदर रीनेम कार्ड को ले सकते हो। जी आपने सही सुना, आप लोग फ्री में रीनेम कार्ड को ले सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। और भाई ऐसे बता दूं मैं कि रीनेम कार्ड अगर आप लोग ऐसे लेने जाते हो तो वो आप लोग को 180 रुपये का पड़ता है, ठीक है, 180 रुपीज का पड़ता है। लेकिन भाई यहाँ पे मैं आपको इस रीनेम कार्ड को फ्री में लेकर के दिखाऊंगा। और भाई ये देख सकते हो 180 यूसी का है, बट फिलहाल ये सेल में चल रहा है तो ये 130 यूसी का चल रहा है, ठीक है, 50 यूसी का यहाँ पे डिस्काउंट वाउचर मिला हुआ है, ठीक है, वरना ये 180 का है। लेकिन भाई ऐसे आज के वीडियो में दो मेथड बताने वाला हूँ जिससे आप लोग रीनेम कार्ड को फ्री में ले सकते हो, ठीक है, और वीडियो एंड तक देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, वीडियो को भी लाइक कर देना। तो गाइस सबसे पहला मेथड क्या है, जो कि बहुत ही ज्यादा कॉमन सा मेथड है, कि आपको अपनी आईडी को 7 डेज तक लॉग आउट करके रखना है और 7 दिन बीतते ही आपको यहाँ पे रिटर्नर इवेंट के अंदर रीनेम कार्ड 30 डेज का देखने को मिल जाता है। और मैं आपके सामने लाइव करके दिखा देता हूं, मैंने इसलिए इस वीडियो को पर्टिकुलरली बनाने के लिए उस आईडी को 7 डे ऑफलाइन रखा। और ये देख सकता हूं मैं आपके सामने उस आईडी को लॉगिन कर लेता हूं, ठीक है, यहां पे कोई भी कट नहीं लगाऊंगा मैं, आपके सामने होगा जो भी होगा, ठीक है। और भाई यहां पे आईडी हमारी लॉगिन हो चुकी है, चलो इसको लोडिंग हो लेने देते हैं, ठीक है। यहां पे सिंपली हम लोग की आईडी लोडिंग हो रही है और भाई ये आपके सामने हम लोग का आ चुका है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग का लॉबी आ चुका है, यहाँ पे वेलकम बैक आ चुका है, ठीक है, लिख करके। और यहाँ पे कलेक्ट पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मेरे दोस्तों के पास चला गया सारा गिफ्ट, ओके कर दिया मैंने, यहाँ पे मुझे ये सब मिल गया, टाइटल वाइटल जो भी है। लॉबी में गया मैं, कट कर लेता हूँ, एक मिनट रुकना गाइस, ये यार ये पीछे मैं बहुत पॉपअप देता है यार सही में। फिलहाल मैं यहाँ पे कपड़े वपड़े पहन लेता हूँ कुछ, चलो एक मिनट रुकना बस। तो गाइस देख सकते हो हम लोग इस आईडी पे आ चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे सिंपली जब हम लोग चलते हैं इस वाले गिफ्ट बॉक्स पे, इस पे क्लिक करते हैं, हम लोग को यहाँ पे सिंपली रिटर्नर यहाँ पे मिशन देखने को मिल जाता है। और सबसे पहले ही हम लोग को यहाँ पे रीनेम कार्ड कलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता है। जैसे ही हम लोग इस पे क्लिक करते हैं, आप लोग के सामने हेयर इट इज, हम लोग को 30 डेज का रीनेम कार्ड देखने को मिल चुका है, जिससे हम लोग अपने नाम को यहाँ पे बहुत ईजिली रीनेम कर सकते हैं और भाई रीनेम करके यहाँ पे गेम प्ले इंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा फ्रैंक आईडी है और ये मतलब मेरे फ्रेंड का आईडी है, ठीक है, तो मतलब नाम वाम पे मत जाना, इसको मैं ऐसे यूज कर लेता हूँ अगर कभी मुझे प्रैंक करना रहता है तो उसके नाम से, अदरवाइज ये उसी का आईडी है। फिलहाल देख सकते हो गेमिंग चैनल का लोगो भी मेरा लगा करके आया मैं इस आईडी पर, ठीक है, छोड़ो खैर वो सब बात। और गाइस अब चलो सीधा बात करते हैं सेकेंड मेथड की तरफ, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये वाला काफी सारे लोगों से होता भी नहीं है कि 7 दिन तक उनकी आईडी वो ऑफलाइन रख पाए। मैं समझ सकता हूँ भाई तुम लोग को, ठीक है, तुम लोग को सेटिंग में चले जाना, सेटिंग में यहाँ पे कस्टमर सर्विस का ऑप्शन नीचे देखने को मिल रहा है, कस्टमर सर्विस उस पर क्लिक करना, अकाउंट स्टेटिस्टिक्स एंड आरबी पे क्लिक करना है। उसके बाद भाई यहाँ पे बहुत सारे चीज आएंगे, ठीक है। तुमको यहाँ पे अदरवाइज तुम यहाँ पे देख सकते हो रीनेम कार्ड का, तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन तुमको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे सिंपली और बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, ठीक है, थीके? तो भाई तुमको सिंपली क्या करना है ना, यहाँ पे एक चीज लिखना है, नोटिस ऑफ डेटा ट्रांसफर एंड्रॉइड, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक करना है, जैसे ही तुमको यहाँ पे सिंपली नो पे क्लिक कर लेना है, ठीक है, नो पे क्लिक कर लेना, कॉन्टेक्ट अस का डायरेक्ट ऑप्शन आएगा, कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली तुमको सिलेक्ट करना है गेम प्ले इशू, उसके बाद भाई यहाँ पे लॉस्ट इशू मिसिंग आइटम, यहाँ पे मिसिंग आइटम पे क्लिक कर लेना है, भाई मिसिंग आइटम यहाँ पे चला गया। उसके बाद भाई सिंपली तुमको यहाँ पे क्या लिखना है, जो लिख रहा हूँ एग्जैक्ट वही लिखना है, ठीक है, अदरवाइज अगर कुछ इधर उधर लिखोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखना हे टीम बीजीएमआई, हे टीम बीजीएमआई, आई नीड अ रीनेम कार्ड फॉर चेंजिंग माई नेम माई, यहाँ पे ध्यान से देखना आप, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, माई फ्रेंड चेंज इट एक्सीडेंटली, बस तुमको ये लिख करके और सिंपली सेंड कर देना है। और माई आईडी, ठीक है, माई आईडी लिख करके यहाँ पे अपनी आईडी भी लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे मान लो मेरी आईडी ये है तो मैं अपनी आईडी पे सेंड कर देता हूँ और बस तुमको यही वाला मैसेज लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है कर लो, यहाँ पे बस ये वाला मैसेज लिखना है, बैक चले आना, ठीक है। और 24 आवर के अंदर अंदर तुमको कस्टमर सपोर्ट से रिप्लाई देखने को मिल जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। वो यहाँ पे भाई 50-50 चांसेस है ये सेकंड मेथड के अंदर कि तुमको रिनेम कार्ड मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, लेकिन जो पहला मेथड है वो 100% वर्किंग है। और यही ट्रिक है गाइस फ्री में बीजीएमआई के अंदर रिनेम कार्ड लेने का। और भाई आज की वीडियो बहुत ही कॉमन है, छोटी सी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते कर देना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, से होना।